जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ एग्जांपल दे रखा है, लेट एक्स वाई जेड, एक्स इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 6 एंड जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यहाँ पे हमें चार स्टेटमेंट दे रखी हैं और कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर प्रोग्राम एक लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि एग्जीक्यूट की जाएंगी कंप्यूटर के द्वारा। और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो ये इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है ना, इनको हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम क्या होता है, ये लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास कि जावास्क्रिप्ट जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसके अंदर क्या क्या होता है। जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स के अंदर वैल्यूज़ होती हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, कमेंट्स होते हैं एंड सेमी कॉलम्स होते हैं। तो ये जो सेमी कॉलम्स होता है ना, ये सेपरेट करता है हर एक स्टेटमेंट को, और सेमी कॉलम को आपको हर एक स्टेटमेंट के एंड में डालना होता है ताकि वो हर एक स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो पाए। ठीक है, उसके बाद ये वाइट स्पेसेस आता है, जावास्क्रिप्ट वाइट स्पेसेस। तो जावास्क्रिप्ट जो है ना, वो मल्टीपल स्पेसेस को क्या करता है, इग्नोर कर देता है। तो आप वाइट स्पेसेस को ऐड भी कर सकते हो ताकि आप जो आपका जो स्क्रिप्ट है वो मोर रीडेबल हो सके। ठीक, जावास्क्रिप्ट कोड ब्लॉक्स। जावास्क्रिप्ट कोड ब्लॉक्स क्या होते हैं, ये एक जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एक साथ ग्रुप कर देता है इनसाइड अ कर्ली ब्रेसिस, ताकि वो पूरा जो कोड ब्लॉक है वो एक साथ एग्जीक्यूट हो सके। टुगेदर दे विल एग्जीक्यूट एंड वन प्लेस यू विल फाइंड स्टेटमेंट ग्रुप्ड टुगेदर इन अ ब्लॉक इज इन जावास्क्रिप्ट फंक्शन। ओके, तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर, जावास्क्रिप्ट फंक्शन, माई फंक्शन। एंड ये इसके अंदर ही दो स्टेटमेंट्स हमारी लिखी हुई हैं। तो ये हमारा क्या है, कोड ब्लॉक है। तो ये कर्ली ब्रेसिस के अंदर है और ये एग्जीक्यूट होगा एक साथ।